अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ये देख के आपको पता चल गया होगा, आज की जो वीडियो है इट्स नॉट अबाउट कुकिंग वीडियो, इट्स नॉट अबाउट रेसिपी। ये वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ क्रिसमस की डेकोरेशंस शेयर करना चाह रही थी, कैसे यहाँ पे लोग जो है वो यूके में अपनी मार्केट्स को डेकोर करते हैं। ऑफ कोर्स इनका फेस्टिवल है जो कि पूरे साल के बाद आता है, तो ये जून ही दिसंबर स्टार्ट होता है, ये अपनी मार्केट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सजाना शुरू कर देते हैं। ये व्लॉग जो है वो मैंने ठीक क्रिसमस से 2 डेज़ बिफोर शूट किया था। आप रश देख सकते हैं, सेम लाइक पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ ईद हमारी होती है तो काफ़ी रश होता है मार्केट्स में, तो सेम यहाँ भी ऐसे ही है। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है, गुड पॉइंट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल, जो स्पेशली मेरे पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं, यहाँ के लोगों को तो ऑफकोर्स पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग सेल लगाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फेस्टिवल पे शॉपिंग कर सकें। सेल वाज नॉट सो इम्प्रेसिव, इट वाज नॉट फ्लैट 50%, बट अप टू 50% था, लेकिन उसमें भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि आप काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हैं। ये इन्होंने कुछ बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ था, सो एज़ यू नो कि आई एम अ मदर ऑफ़ अ टोडलर, सो मेरी बेटी को भी बैठना था, सो वो अपने बाबा के साथ इसमें बैठी, उसने इंजॉय किया। बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चे भी थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। ये थोड़ा नाइट का व्यू आप इंजॉय करें, नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है, आप पिक्चर्स भी बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि H&M पे भी जो है वो सेल चल रही है, एवरी जो ब्रांड है एवरी शॉप पे ऑलमोस्ट सेल थी, और वो काफ़ी जो है वो रश भी था और लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और ज़्यादा तो सच पूछें तो मैं ये शूट करने के लिए ही आज स्पेशली गई थी, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मुझे देख के बिल्कुल ऐसे वाइब्स आ रही थी जैसे हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल पे डेकोरेशंस होती हैं और इस तरह से हम लोगों के गली मोहल्लों को सजाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था स्पेशली रात के टाइम। और ये देखें एंट्रेंस है ब्रॉडवे, ये सिटी सेंटर है ब्रेडफोर्ड का, और काफ़ी रश है, देख सकते हैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम था। ऑफ कोर्स फेस्टिवल है उनका, तो वो शॉपिंग कर रहे हैं लोग। ये एक और मार्केट है, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, ये इन्होंने ट्री सजाया हुआ है। आई नो बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे व्लॉगर जो यहाँ पे यूके में एंड यूरोप में रहते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते होंगे सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ जो है यहाँ पे किस तरह से ये लोग डेकोरेशंस करते हैं और कैसे जो है वो रश होता है मार्केट्स में, ये मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो ये इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, आई रियली डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ ओल्ड लेडीज थी, दे वर वेरी ओल्ड, तो उनसे मैंने कुछ पूछा, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉइन्स भी गिरे हुए थे, तो मुझे पहले ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि इन कॉइन्स का क्या पर्पज़ है, बट देन दे टोल्ड मी कि इट्स फॉर चैरिटी, कि ये चैरिटी के लिए लोग जो है वो यहाँ पे थ्रो करते हैं और फिर बाद में जो है ऑफकोर्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं, जो भी इनका ईसाई लोगों का अपना कॉन्सेप्ट होता है। ये पेंगुइन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसका जो है यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन था, उसको आप प्रेस करते हैं तो देन ये जो इनका फेमस क्रिसमस का सॉन्ग है वो ये सिंग करता है। और ये देखें, ये मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है, ये मैं काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था ये, और इस तरह से ये इसको प्रेस किया बटन को, देन ये सिंक कर रहा था। सॉरी, वीडियो जो है वो मोबाइल दूसरी तरह से मैंने पकड़ा हुआ था, तो ये उसका फेस नहीं आ रहा, तो बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।